ग्यारह सवाल में एक एपी दिया है 3, 15, 27, 39। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एपी का कौन सा पद जो है 94 परीक्षा 132 अधिक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, स्टार क्वेश्चन है। सोल्यूशन में सबसे पहले ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर 3, डी निकालेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 15 माइनस 3, तो डी का मान कितना आ गया 12। इसमें पूछ रहा है कौन सा पद है यानी ए निकालना इस क्वेश्चन में, तो मान लेंगे माना कि इस एपी का एनवा पद जो है 94 पद से 132 अधिक है, इसलिए एनवा पद 54वां पद से 132 अधिक कहेगा तो जोड़ देते हैं। एन का सूत्र a+n-1 × d, आई 54 को लिख सकते हैं +53d+132। अभी हमने बताया कि बराबर के इधर उधर एक ही साइड में कटता है, तो यहाँ ए को काट सकते बिना मान भरे हुए। एन का तो मान निकालना है n-1, डी का मान 12 है, पुट कर देंगे 53 × 12 + 132। तो n-1 यहाँ गुना कीजिए 12 × 36 = 12, 25 = 60 + 132, और ये वाला जो 12 है भाग में आ जाएगा, तो n बराबर 600 6 2 8 3 3 6 7 67 / 12 इधर n-1 12 6 72 64 12 n = 64 + 1 यानी n का मान कितना गया 65। यानी इस क्वेश्चन का 65 पद जो है 132 अधिक है। 12 क्वेश्चन में दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारा अंतर समान है, एक एपी जो है उसका 100वां पद और दूसरा एपी का 100वां पद, दोनों का अंतर 100 आ रहा है। तो पूछ रहे कि इस क्वेश्चन में कि इन दोनों पदों का 1000वां पद और इसका 1000वां पद लेंगे तो उसका अंतर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी का सार्वभौम अंतर अगर वह एपी में हो तो घटाने के बाद अर्थात सार्वभौम अंतर समान होता है, तो अगर 100वां पद का अंतर 100 है तो उनका 1000 पदों का भी अंतर 100 होगा, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर 100 होगा। अब 13 सवाल में है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, 3 अंकों की जो संख्या है 100 से शुरू होती है और लास्ट में 999 होता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 100 7 से कटेगा कि नहीं, तो सबसे पहले कटा के देख लीजिए साइड में कहीं भाग करेंगे 100, तो 7 30 7 4 28, 2 शेष हो गया। यानी इसको कटने के लिए 7 में हमको 5 और जोड़ना होगा, यहाँ अगर 5 और आता तो ये कट जाता है, यानी पहली जो संख्या होगी 105 होगी। 3 अंकों की जो कटने वाली संख्या है वो पहला क्या होगा 105, फिर उसके बाद बढ़ा लीजिए 112 इसी तरह से, और लास्ट में जो 999 है उसको भी भाग करके देख लेते हैं कि अंतिम संख्या कितना होगा 7 से, 7 एकम 7 29 7 4 28, फिर 19 7 9 14। अगर ये 14 रहता तो कट देनी, इसमें 5 अधिक है 5 घटा लेंगे तो 999 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 994, यानी अंतिम संख्या जो होगा क्या होगा 994। इस क्वेश्चन को कितनी यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एन निकालना है, तो इसलिए आगे हमको मालूम चलेगा ए बराबर 105 और डी बराबर क्वेश्चन से क्लियर कर दिया है कि 7 से विभाजन यानी 7 होगा और एन बराबर 994। एन का सूत्र होता है a+n-1 × d बराबर 994, ए का मान 105, एन निकालना है n-1 × d का मान 7 बराबर 994, n-1 7 994 -105, n-1 बराबर घटा लीजिए 14 में से 5 किया 9, ये हो गया 8 और 9 में से क्या 8 इधर 7, 7 एकम 7 7 × 14 7 7 49 127 बार में n बराबर 127 + 1 यानी n का मान आ गया 128, यानी कि 7 से कटने वाली जो 3 अंकों की संख्याएं है वो 128 को है। 14 सवाल है कि 0 और 250 के बीच 4 का गुणज यानी 4 के पहाड़ा से कटने वाली संख्याओं को बताना है कितने हैं यानी कि इसमें भी n निकालना है। तो सबसे पहले 0 से 4 शुरू करेंगे तो 4 से कटने वाला पहला अंक 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, इसी तरह से लास्ट में जो होगा 248। सब लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 4 से तब कटता है जब इसका अंतिम दो अंक 4 के पहाड़ा से कट जाती है यानी कि 248 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बराबर 4 और डी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्लियर है 4 का गुणा, तो डी का मान 4 ही होगा, चाहे आप घटा के भी देख लीजिए सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद 4 ही आएगा, तो इसमें कितने पद है और अंतिम पद कितना हो गया 248। तो ए का सूत्र होता है a+n-1 × d बराबर 248, ए का मान हो गया 4, n-1 × d बराबर 248, n-1 d का भी मान 4 है, 4 बढ़ दीजिए 248 - 4, तो n-1 बराबर 244, 4 भागा में आएगा 4 6 24 और 4 1 4, तो n बराबर 61 और +1 62।
यानी कि 0 से लेके 250 के बीच चार का जो गुणज है 62 होगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे 15 का सवाल है, इसमें दो एपी दिया हुआ है, एक एपी में अंक है 63, 65, 67 और दूसरे एपी में है 3, 10, 17। पूछ रहा है कि इनका एन का कौन से ऐसे मान पे ये दोनों एपी बराबर होंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट एपी का जो प्रथम पद है उसको A1 से सूचित कर लेते हैं, तो A1 जो है 63 और D1 से सूचित कर लेते हैं 65 - 63, तो D1 जो हो जाएगा -2। अब इस सेकेंड एपी के फर्स्ट पद को A2 से सूचित कर लेते हैं 3 और सेकेंड सार्वांतर को D2 से 10 - 3 यानी कि 7। माना कि इन दोनों एपीयू का एपी का एनवा पद बराबर है, एनवा पद बराबर है, इसलिए फर्स्ट एपी का एनवा और सेकेंड एपी का एनवा पद बराबर लिख लेंगे। इसका सूत्र A+(n-1)(d) होता है, तो A1 लिखेंगे A1+(n-1)(d1) और सेकेंड तरफ सेकेंड वाला सब लिखेंगे A2+(n-1)(d2). A1 का मान 63, n-1 और D1 का मान 2, A2 का मान 3, n-1, D2 का मान 7, गुणा करेंगे 2n-2, 3+7n-7, 63 में से 2 घटेगा 61+2n, 7 में से 3 घटेगा -4+7, n वाला एक तरफ 61 -4 इधर है तो +4, 7n-2n, तो 7 में से 2n घटेगा 5n बराबर 61+4, 65, 5 ले 13 बार में तो n बराबर 13, यानी इन दोनों एपीयू का जो है 13वां पद जो होगा दोनों बराबर होगा। एपी का तीसरा पद 16 है, इसको हम लिख सकते हैं A+2D=16 और इस इक्वेशन में मान लेंगे। इसी क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इस एपी का जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, इसको ऐसे लिखते हैं 7 को A+60 लिख सकते हैं, 5 को A+4D=12। अभी हमने आप लोग को बताया है कि बराबर के इधर उधर एक ही साइड में कटता है, ए कट जाएगा 6d और -4d = 12, 2d = 12, तो 6 का 12, डी का मान कितना गया 6, डी का मान समीकरण 1 में भर देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो लिखा है A+2d = 16, A+2 × d = 6 = 16, तो A = 16 - 12, A = 4। तो हमको एक एपी बनाना है, इस क्वेश्चन में क्या बनाना है एपी, तो एपी इस तरह से बनता है, ए होता है फिर A+D होता है फिर A+2D होता है डॉट डॉट, तो एपी बराबर ए ये कितना है 4, फिर 4+6, फिर 4+2 × 6 ऐसे डॉट डॉट, तो एपी जो होगा इस तरह का होगा 4, 10, 16, ये हमारा आंसर हुआ। अब 17 सवाल में एक एपी दिया हुआ है, उसको अंतिम पद से यानी पीछे से हमको विषोप पद निकालना है, तो अंतिम पद से विषोप पद निकालने का सूत्र हमने बताया था, अंतिम पद से विषोप पद का सूत्र है L-n-1×d, यहाँ पे L का जो मान है वो 253 है, तो 253 कौन सा पद, 20वां, n का मान 20 -1 और d कितना चल रहा है, तो d यहाँ पर देख लीजिए 8 - 3 5 का अंतर चल रहा है, 5 भर दीजिए 253 - 19 × 5, 253 - 95 घटा लीजिए 13 में से 5 गया 8, 24 में से 158, ठीक है ना। अब देखिए 18 सवाल में दो मान दिया है, चौथा पद और आठवां पद का जो 24 है, तो चौथा को लिख सकते हैं A+3D और आठवां को A+7D = 24, A2A + 7D = 10D = 24, इक्वेशन 1। और इसी में आगे बताया है कि इसका छठवां और दसवां पद जो 44 है, तो छठवां को लिख सकते हैं A+5D और दसवां को A+9D = 44, A2A + 9, 5, 14D = 44, इक्वेशन 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्यूशन कर लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ए में लिखा हुआ है 2A + 10D = 24 और 2A + 14D = 44, साइन बदल लीजिए -, ये कट गया 14 में से 4 घट गए, 4D = -20, 4 × 5 = 20, डी का मान आ गया 5, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं
समीकरण वन में, तो समीकरण वन जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है 2a प्लस 10d बराबर 24, तो 2a 10 गुणे d का मान 5 बराबर 24, तो 2a बराबर 24 माइनस 50, 10 बचे 50 उतर गए तो माइनस 50, घटाने पे 26 बटा में 2, 13 बार में कट गया तो ये का मान आ गया माइनस 13। तो एपी का इस क्वेश्चन में कहा है कि एपी का तीन पद ज्ञात कीजिए, तो तीन पद जो होगा एपी का वो इस तरह होगा a फिर a प्लस b फिर a प्लस 2d, तो a का मान हो गया माइनस 13, माइनस 13 d का मान 5, फिर माइनस 13 d का मान 2 गुने 5, माइनस 13 प्लस 2 गुने 5, तो माइनस 13 13 से कटेगा माइनस 60, माइनस 13 प्लस 10 ये जो आंसर होगा माइनस 13 होगा, माइनस 60 होगा, माइनस 3 होगा। 19 सवाल में दिया है कि सुब्बा राव जो है 1995 में 5000 रुपया से मासिक वेतन प्रारंभ किया, शुरुआत कितना से किया है 5000 से, इसलिए एक अमान 5000 रुपया और हरेक साल वह 200 रुपया बढ़ा रहा है, जो प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ा रहा है वो डी का मान लेगा, डी बराबर 200, और उसने लास्ट में उसका जो वेतन गुजर है 7000 रुपया हो गया है, तो कितने वर्षों में 7000 होगा वो बताना है, तो यानी कि ए का मान 5000 डी का 200 एन का 7000 एन निकालना है, एन बराबर सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन माइनस वन और डी कितना है 200, घटा लेंगे 7000 प्लस 5000 इधर आएगा तो माइनस 5000 और 200 गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर एन माइनस वन, 7000 में 5000 घटेगा 2000 बटा में 200, माइनस वन इधर आया तो प्लस वन बराबर एन, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 2 दाम है 20, तो एन बराबर 10 है 11, 11 वर्षों में उसका जो वेतन है 7000 रुपया हो जाएगा। हमारे 12वें जो सवाल है उसमें लिखा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, रामकली जो है वो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत, प्रथम यानी प्रथम पद हो गया यानी ए बराबर 5, और फिर उसके बाद उसकी बचत में 1.75 रुपए की बार बार वृद्धि हो रही है, 1.75 यानी डी का मान हो गया, और उसने उसका अंतिम जो बचत है इस बुक में दिया हुआ है 20.75, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 20.75 रुपए बचत करने के लिए उसे कितने दिन लगे, कितना सप्ताह लगा एन निकालना है, तो फिर वही सोल्यूशन एन से, एन बराबर 20.75, एन का सूत्र लिख लीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 20.75, मान भरिए ए का मान 5 एन माइनस वन और डी का मान 1.75 बराबर 20.75, एन माइनस वन गुना 1.75 20.75 माइनस 5, तो एन माइनस वन बराबर 20 में से 5 कटेगा 15.75 बराबर 1.75, घटा लिए 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, 2 अंक के बाद इसका पॉइंट था तो आ गया एन माइनस वन बराबर 15.75 बटा में 175, 25 के पाड़ा से 7 बार, अब 25 छक्का 150 और 25 75 63 बार में 7 63, तो एन बराबर 9 और माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन, एन बराबर 10, यानी रामकली को 20.75 पैसे करने के लिए उसे 10 सप्ताह का समय लगेगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.2 का पूरे सवालों का सलूशन हो गया। आगे और